नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, मैं निमेरो वानिया अपनी एक बहुत प्यारी सी दोस्त समर के साथ फिर से आपके लिए लेके आए हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। बिल्कुल, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबर पर। आपने सुना होगा ना कि सबर का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन किसी का थोड़ा सा खट्टा भी रह जाता है। इसी पर आज हमारा डिस्कशन रहेगा और वानिया जी बताएंगी हमें कि आखिर सबर और पीछे होना या सबसे आगे होना, इस पर सारी बात रहेगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में वाले जी। थैंक यू सारा, थैंक यू इंडिया न्यूज। नमस्कार दर्शकों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। आज हम बात करते हैं हमारी लाइफ के टाइम जोन पर। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जो हमारी किस्मत में है हमसे वो कोई नहीं छीन सकता। कोई इंसान 40 ईयर्स में CEO बनता है, लेकिन 45 ईयर्स में उसकी डेथ हो जाती है। कोई इंसान 21 ईयर्स में CEO बनता है, लेकिन 25 के बाद एक बैड मैरिटल लाइफ की वजह से उसे अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ता है। हर किसी लाइफ में एग्जाम पेपर सबका डिफरेंट है, सबके सरकमस्टांसेस डिफरेंट हैं। जब भगवान हमें कुछ अच्छा देता है तब तो हम भगवान से नहीं कहते वाई मी, राइट समर? जब भगवान हमें कुछ नेगेटिव देता है तो हम क्यों पूछते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? हमें अपने पेशेंस को टेस्ट करना चाहिए, उस यूनिवर्स पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि आज अगर यूनिवर्स ने मुझे ये चैलेंज दिया है या यूनिवर्स ने मुझे ये स्ट्रगल दी है तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी लाइफ का कुछ बेटरमेंट होगा, तभी ये चीज़ जो है मेरे पास आई है। आप उसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कीजिए, रिस्क लीजिए, स्ट्रगल कीजिए और अपनी लाइफ को ग्रूम करके इम्प्रूव कीजिए। जिस चीज़ का, जिस क्षण में, जिस घड़ी में, जिसका आना लिखा है, जो काम होना लिखा है, वो कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर की नज़र सीधी होनी चाहिए, बाकी सब काम अपने आप बनते जाते हैं। जितना हो सके अपने उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपने टाइम जोन पर ट्रस्ट कीजिए। रेस्टलेस मत होइए, निराश मत होइए, इम्पेशेंट मत होइए। जितना हो सके सबका अच्छा करो, यूनिवर्स खुद आपको ग्रैटिट्यूड भेजेगा, यूनिवर्स खुद आपको सक्सेस भेजेगा, यूनिवर्स खुद आपके लाइफ में लाइट लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा, हैप्पीनेस लाएगा, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएगा। बस आपको करना क्या है, अपने टाइम जोन का वेट करना है। समय से पहले कुछ नहीं मिलता। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपकी होस्ट निमेरो वानिया साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, नमस्ते। तो दोस्तों आज के इस सेशन में आप बहुत ही समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, अपने पेशेंस को कंट्रोल करना है। जैसे दीवाने जी ने बताया कि अगर हम अपने पेशेंस कंट्रोल करेंगे तो हमारी चीज़ें खुद ही आसान होती जाएगी और हमारी लाइफ एकदम खुशहाल हो जाएगी। तो ऐसे ही प्रोग्राम को देखने के लिए और ऐसे ही प्रोग्राम से बने रहने के लिए क्या करना है, बने रहना है इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु के साथ। ठीक है, बाय, नमस्कार।